खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। एपीजी न्यूज के ब्यूरो चीफ हाफिज मोहम्मद जवाद मनीर के मुताबिक टीचिंग अस्पताल साहिवाल में पार्किंग माफिया का राज। पार्किंग स्टैंड के नाम पर स्टैंड मुलाजिम गरीब अवाम से मोटरसाइकिल पर्ची फीस डबल वसूल करने लगे। मजबूरी से आने वाले मरीजों और वाहिकीन से जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर्ची फीस 10 रुपए के बजाय 20 रुपए और कार पर्ची 20 रुपए के बजाय 30 रुपए वसूल की जा रही है। अजाफी चार्जेस बटोरे जाने को रोका ना जा सका। बाला अफसरान खुद ही ओवर चार्जिंग करवा रहे हैं। इंकशाफ हुआ है कि मामले में मुतलका दफ्तरी अमला मुलविस है। सिविल अस्पताल साहिवाल पार्किंग माफिया ओवर चार्जिंग के मुतल खबर नशर होने के बाद सब दफ्तरी अमले से गायब हो चुके हैं। दफ्तरी अमले की इस खामोशी ने सब राज खोल दिए हैं। पार्किंग माफिया गरीब अवाम से जबरदस्ती ओवरचार्जिंग करवा रहा है, जिसको ओवरचार्जिंग करने की खुली इजाजत दी गई है। पार्किंग स्टैंड माफिया के खिलाफ टीचिंग अस्पताल साहिवाल एमएस साहब को दरख्वास्त भी दी गई है, जिसकी इंक्वायरी ना हो सकी, जिसमें ओवरचार्जिंग साबित होने के बाद भी मुतलका इंतजामिया की जानिब से पार्किंग माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाएगी। मजबूरी से आने वाले मरीजों और वाहिकी ने वजीर अला पंजाब कमिश्नर साहब साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहब से साहिवाल से फौरी तौर पर नोटिस लेने और पार्किंग माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है।